हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं आज आपके साथ सागर रस्तोगी। तो आज गाइस हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड मैनेजर के बारे में। बेसिकली जैसा कि आपने मेरे चैनल अगर देखा होगा तो मैं अपलोड कर रहा हूं वीडियोस रिलेटेड टू फेसबुक एड्स एंड लीड जनरेशन एंड एड मैनेजर। और मेरे पास क्वेश्चंस भी आ रहे हैं रिलेटेड टू कि हाउ टू ऐड पेमेंट मेथड इन फेसबुक एड्स। सो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा दो यार, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी रिगार्डिंग रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग एंड फेसबुक एड्स एंड यूट्यूब मार्केटिंग एंड यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू गूगल बिजनेस एंड PPC ऑल्सो। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हम करने वाले हैं आज बेसिकली फेसबुक के लिए। और जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं लोगों के, उसके बेस पे ही मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ फेसबुक एड पेमेंट मेथड के लिए। तो आप भी वीडियो को एंड तक देखो जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू ऐड पेमेंट मेथड इन फेसबुक एड मैनेजर। सो गाइज स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज जैसा कि आप देख रहे हो, मैं अपनी प्रोफाइल पे आ चुका हूँ facebook.com पे। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सीधा एड मैनेजर पे क्लिक करना है। ओके, देन यू विल क्लिक योर एड मैनेजर, यू विल सी दिस काइंड ऑफ इंटरफेस। अगर आप न्यू भी हो, क्योंकि आपने पहला अगर एड मैनेजर बनाया है तो आपको सामने ऐसे ही फेस करना पड़ेगा। अगर आपके पास एड मैनेजर यहाँ से नहीं ऑप्शन मिलता तो आपको प्लस में जाके क्रिएट एड पे क्लिक करना है। यहाँ पे देन आपको ये ऑप्शन मिलेगा एड मैनेजर का, अगर फर्स्ट टाइम आप एड अकाउंट ओपन कर रहे हो तो। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अभी देखो पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा। देन यू विल एलिजिबल टू रन द एड। एड तो अब भी आप बना सकते हो बट वो रिव्यू में चला जाएगा, बेसिकली अकाउंट में पैसा नहीं होगा। तो इस वजह से तो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड में आपको ये 9 डॉट्स दिख रहे हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। देन यू हैव टू गो टू द बिलिंग सेक्शन, आपको बेसिकली बिलिंग देखना है। अगर आपका किसी का इंटरफेस डिफरेंट है तो आपको बिलिंग सेक्शन में ही जाना है, क्योंकि इंटरफेस बहुत जल्दी चेंज हो रहा है फेसबुक का अगर देखा जाए तो। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन पेमेंट सेटिंग। अगर आप करंट बैलेंस देख रहे हैं तो 0 है। अगर मैं पेमेंट सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ, लेट्स सी कहाँ पे लेके जाते हैं हमें ये। तो सी देख रहे हैं अमाउंट ड्यू हमारा 0 है, अकाउंट पेंडिंग लिमिट अभी हमने कोई सेटअप नहीं कर रखी। नाउ वी नीड टू कम दिस पॉइंट पेमेंट मेथड। तो बेसिकली क्वेश्चन यही था मेरी फैंस का, ऑडियंस का मुझसे, यही सारा पेमेंट मेथड कैसे ऐड करते हैं, क्योंकि मनी ऐड करना तो हमने सीख लिया बट पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है। तो आप पेमेंट मेथड पे आ चुके हो, बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा टास्क है, बहुत ईजी है। आपको जस्ट क्लिक करना है ऐड पेमेंट मेथड पे और आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको देखो पहले जब भी ऐड मैनेजर क्रिएट करोगे, यू नीड टू सेट योर करेंसी लोकेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडियन रुपीज़ ही रखो अपनी करेंसी ऐड मैनेजर की, आपकी जो अगर इंडिया में रन कर रहे हो तो। अगर आप कहीं बाहर से रन कर रहे हो तो यू हैव टू डू एट योर ओन कंट्री प्रायोरिटी, बेसिकली कंट्री के अकॉर्डिंग। और बिजनेस टैक्स इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, नहीं तो यू कैन रजिस्टर्ड एज अ इंडिविजुअल। सो आप देख रहे हो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिले हुए हैं फॉर पेमेंट पर्पस, कि आप क्या पेमेंट मेथड ऐड करना चाहते हो। देखो जब से यार UPI और Paytm आया, इट्स वेरी इजी प्रोसेस टू डू पेमेंट ऑन फेसबुक फॉर फेसबुक एड्स। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यूजली बात करूँ, मैं खुद अभी देखो Paytm, आई लव इट। Paytm में बहुत इजी है, जस्ट आप स्कैन करोगे, पेमेंट ऐड हो जाएगी। नहीं तो आप डेबिट कार्ड खुद ऐड कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ डेबिट कार्ड की, यहाँ पे आपको कार्ड नंबर नेम वगैरह ऐड करना है। अगर जैसे मैं बात करता हूँ, ये मेरी डिटेल्स आ चुकी हैं, देन आई कैन क्लिक हियर टू सेव दिस। तो मेरे पास आपके पास मैसेज भी आएगा 1 rupees डिडक्ट होने का टू कंफर्मेशन अबाउट द एड पेमेंट कार्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा पेमेंट कार्ड आ चुका है। अगर मैं बात करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, तो ये मेरे पास पेमेंट कार्ड आ रहा है। मैं इसे ऐड भी कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ। और फिर अगेन हम ऐड पेमेंट मेथड में जाते हैं, तो हमारे पास डेबिट कार्ड हमने कर लिया। UPI के लिए UPI ID चाहिए होगी, Paytm के लिए अगर आप जाते हो तो Paytm में आपको नंबर देना पड़ेगा। अगर बात करते हैं पेमेंट के लिए, यहाँ पे देखो ये मैं दूसरी स्क्रीन पे ड्राइव करेगा शायद। बेसिकली ऐड फंड है यहाँ पे, Paytm कोई ऐड नहीं होता, कोई पेमेंट मेथड नहीं है Paytm, बस हाँ कि Paytm के थ्रू पेमेंट हम ले सकते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड हम परमानेंट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर क्या होता है कि हमें पेमेंट के लिए कार्ड बार बार ना ऐड करना पड़े, तो वन टाइम कार्ड ऐड हो जाता है। आई थिंक इट्स टेकिंग अ टाइम। तो बेसिकली यही था गाइज, अगर मैं बात करूँ तो पेमेंट मेथड की, तो आप डेबिट कार्ड ऐड कर सकते हो। डायरेक्ट आपको पेमेंट करनी है तो यू कैन गो विद द UPI एंड Paytm अभी के लिए। तो फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, यू कैन ऑल्सो रिमूव दिस, डन एंड देर इज नो पेमेंट मैथड राइट नाउ। तो
जस्ट इतना ही था पेमेंट कैसे ऐड, पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए, ऐड फंड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके यू कैन चूज़। अगर आप यहाँ पे करते हो यहाँ तो मेरा क्रेडिट कार्ड वो डेबिट कार्ड आ जाता जो ऑलरेडी ऐड करा था मैंने, तो यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं दिखता, फिर आपको ये तीनों ऑप्शन और दिखते अलॉन्ग विद द कार्ड। तो डायरेक्ट कार्ड ऐड कर लोगे तो वन टाइम आपको झंझट खत्म हो जाएगा, परेशानी आपको हैसल फ्री हो जाओगे, चीज़ें सीधा आपको ऐड करना है, आपके पास OTP आएगा, यू कैन जस्ट ऐड द अमाउंट इन ईजी वे। ऑल दो यू कैन यूज़ पेटीएम और UPI, यार दैट्स मतलब मोर ईजी, मैं तो ये कहूँगा। हर जो फेसबुक के पास पेमेंट मेथड्स हैं वो बहुत ईजी हैं अगर सारी बात करें, एक्सेप्ट नेट बैंकिंग, वो मैंने यूज़ नहीं करी आज तक क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, काम इनसे हो जाता है यार। तो आई होप गाइज आपको क्लियर होगा कि पेमेंट मेथड कैसे ऐड करते हैं फेसबुक एड मैनेजर के अंदर। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन दबा दो यार। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ना यार नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।